भोलेनाथ की नगरी काशी में रंगभरी एकादशी की रही धूम, श्रद्धालु का उमड़ा हुजूम। काशी के महाशमशान हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णा घाट पर मसाने की होली की हुई शुरुआत। रंग गुलाल नहीं, चिताओं की भस्म से खेली जाती है यहाँ पर होली। भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। मान्यता है कि चिता की भस्म से होली खेलने पर सुख समृद्धि और शिवजी की होता है आशीर्वाद प्राप्त। भोलेनाथ के भक्त जमकर नाचते गाते और जश्न भी मनाते हैं। कृष्ण की नगरी मथुरा में रंगभरी एकादशी की हो रही है धूम। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने जमकर खेली होली, अबीर और गुलाल के रंगों से दिखे सराबोर। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में रंगभरी एकादशी पर भक्तों ने अपने ठाकुर जी के साथ खेली होली। केसू के रंग के पिचकारी से भी की जा रही है बौछारे, दिखा आस्था का सैलाब। मथुरा के वृंदावन में होली खेलने आए श्रद्धालुओं पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने की पुष्प वर्षा, एक दूसरे पर केसू के रंग और गुलाल उड़ाते नजर आए श्रद्धालु। रंग भरे एकादशी से अयोध्या के मंदिरों में होली तेज। हनुमानगढ़ी के सामने नागा साधु ने खेली होली, पंचकोसी परिक्रमा भी की। उन्नाव में हर्बल होली गुलाल से खेली गई होली। करीब 150 महिलाएं बना रही हैं हर्बल गुलाल। चकुंदर, पालक, गेंदे के फूल और मकोई नाम के फल का किया जा रहा है इस्तेमाल। पाली में चांदी की बाल्टी और पिचकारी से लोग खेलेंगे होली। सुनकारों ने कम कीमत के बनाए चांदी की बाल्टी और पिचकारी। होली पर्व को लेकर मुजफ्फरपुर में हर्बल रंगों की बड़ी डिमांड। अबीर, गुलाल, पिचकारी और मुखौटों से सजने लगे बाजार। परिवार के साथ होली खरीदारी के लिए निकले हैं बच्चे। कर्नाटक दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, बीदर के नानक झीरा साहिब गुरुद्वारे में शाह ने टेका माथा। कर्नाटक के बीदर में विजय संकल्प रैली में बोले अमित शाह, पूर्वोत्तर हो या फिर यूपी, हर तरफ प्रधानमंत्री मोदी का चल रहा है जादू। अमित शाह ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा पूर्वोत्तर में कांग्रेस का सूफड़ा साफ, दूरबीन से लेकर भी नहीं दिखाई पड़ रही है कांग्रेस। अमित शाह ने कर्नाटक में कांग्रेस पर खड़े किए सवाल, कहा कांग्रेस ने 370 का क्यों नहीं दिया साथ। अमित शाह ने जेडीएस और कांग्रेस को बताया परिवारवादी पार्टी, कहा ये कभी कर्नाटक का कल्याण नहीं कर सकती। अमित शाह ने किया नॉर्थ ईस्ट में मिली जीत का जिक्र, कहा भारत को पीएम मोदी पर भरोसा। कर्नाटक में जल्द चुनाव कराना चाहती है कांग्रेस, चुनाव आयोग से तत्काल ऐलान की मांग की। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इंकार, होली के बाद सुनवाई की बात कही। कैमरे में राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर सियासत तेज, राहुल ने पेगासस जासूसी कांड का किया जिक्र। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला, कहा विदेश जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, पवन खेड़ा ने कहा क्या विदेश में सच बोलना मना है। अड़ाने को लेकर संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राजस्थान में कोयला खदान का आवंटन क्यों नहीं हुआ रद्द। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए सिसोदिया की अर्जी, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी निचली अदालत जाने की सलाह। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर संजय सिंह ने भरा जीत दम, बोले नहीं लड़ने वाले कायर। ओखला लैंडफिल साइट पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, का मई 2024 तक सफाई का टारगेट। उमेश पाल हत्याकांड में लगातार तीसरे दिन बुलडोजर एक्शन, अतीक के करीबी मसुकुद्दीन के घर चला बुलडोजर। अतीक के पैसों का हिसाब रखता था मसुकुद्दीन, परिवार पर 40 से ज्यादा केस दर्ज। बुलडोजर एक्शन को प्रशासन ने बताया अतिक्रमण से जुड़ी कार्रवाई, उमेश पाल हत्याकांड के कनेक्शन से किया इंकार। प्रयागराज में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष राहिल हसन को पार्टी ने किया सस्पेंड, हत्याकांड में शामिल आरोपी मोहम्मद गुलाम का है भाई। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल कई शूटर्स अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर, अतीक के बेटे को एफआईआर में किया गया शामिल।
बमबाज गुड्डू मुस्लिम की भी पुलिस को तलाश, हत्या के वक्त फेंक रहा था बम। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पहले भी तीन बार हो चुकी थी हत्या की साजिश। तीनों बार घर के बाहर उमेश के मर्डर का था प्लान, मोबाइल और सीसीटीवी से मिले सबूत। हत्या के बाद दो गाड़ियों से फरार होने का था शूटर का प्लान, लखनऊ से आई थी गाड़ियां। नफीस अहमद पर उमेश पाल हत्याकांड में फंडिंग का शक, कार मुहैया कराने का भी है आरोप। कर्नाटक में बीजेपी विधायक के घर और दफ्तर पर लोकायुक्त का छापा, 8 करोड़ रुपए कैश बरामद। लोकायुक्त ने बीजेपी विधायक के बेटे को 40 लाख की रिश्वत के साथ किया था गिरफ्तार, बेटे की गिरफ्तारी के बाद विधायक पर कार्रवाई। लोकायुक्त की कार्रवाई के बहाने कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, सरकार पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया। लोकायुक्त की कार्रवाई पर बोले सीएम बुमई, हमने करप्शन के खिलाफ कार्रवाई को कहा। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में गेंद और बल्ले से जवानों ने दिखाया अपना दम, चीन से तनातनी के बीच माइनस तापमान में क्रिकेट के पिच पर उतरे हिंदुस्तान के शूरवीर। तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ मारपीट का मामला, जांच के लिए टीम भेजेगी नीतीश सरकार। बिहार के मजदूरों पर हमले के आरोप पर विधानसभा में हंगामा, तेजस्वी ने खबरों को गलत बताया। बीजेपी के हमलों पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा यकीन नहीं तो केंद्र सरकार से करा ले जांच। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, सम्राट चौधरी का बयान, पुलिस मुख्यालय दे रहा है गलत जानकारी। बिहार के मजदूरों पर हमले के मुद्दे पर पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला, माफी मांगने की बात कही। मेघालय बीजेपी चीफ का बयान, 7 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे संगमा, प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल। मेघालय में कॉनराड संगमा लिंगे बनेंगे मुख्यमंत्री, बीजेपी ने किया है समर्थन। रायसीना डायलॉग में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की अध्यक्षता। क्वाड मीटिंग में इंडो पैसिफिक को लेकर भी चर्चा, आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी बनी सहमति। कांग्रेस का मोदी सरकार पर तंज, कहा चीनी विदेश मंत्री के लिए लाल कालीन, लेकिन दिखा सकते हैं लाल आंखें। इंदौर टेस्ट में भारत की बुरी तरीके से हार, तीसरे दिन के ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से दी है मात। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए बनाने थे 76 रन, 1 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। ट्रेविस हेड 49 रन पर रहे नाबाद, दूसरी पारी में उस्मान ख्वाजा 0 पर हुए आउट। तीसरे टेस्ट के दौरान रविंद्र जडेजा ने 500 विकेट किए पूरे, 500 से ज्यादा विकेट लेने वाले 7वें भारतीय गेंदबाज बने। हार के बावजूद टीम इंडिया 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से आगे है, चौथा टेस्ट 9 मार्च को अहमदाबाद में खेला जाएगा। झालावाड़ में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से कारण नगर परिषद का किया घेराव। पाली में किसानों का डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन, सिंचाई के लिए पानी की मांग की। अंबाला में आम आदमी पार्टी ने सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ पुतला फूंक कर जताई नाराजगी। रोहतक में भी आम आदमी पार्टी ने सरपंचों पर लाठीचार्ज के विरोध में जेजेपी और बीजेपी सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बुलंदशहर में होली और शबे बारात को लेकर पुलिस अलर्ट, दंगा नियंत्रण के लिए मॉकड्रिल। सुरोई में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर वकीलों का आंदोलन, बोले एक्ट लागू नहीं तब तक जारी रहेगा प्रदर्शन। बिहार विधानसभा में नागालैंड और त्रिपुरा के जीत के जश्न में बीजेपी ने बनाई होली, एक दूसरे को लगाया गुलाल, कहा आरजेडी और जेडीयू को भी खिलाएंगे मिठाई। बिजनौर में साथी वकीलों के साथ मारपीट करने के विरोध में वकीलों ने नेशनल हाईवे किया जाम, आरोपियों के खिलाफ एक्शन की मांग की। पठानकोट में एक्साइज पॉलिसी को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, सीबीआई जांच की उठाई मांग। होली में हुड़दंग मचाने वाले को लेकर सतर्क हुआ बांदा पुलिस, पुलिस लाइन में बलवा ड्रिल का किया गया रिहर्सल।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने अमेरिकन बार एसोसिएशन का किया उद्घाटन। 3 दिन तक चलेगा यह आयोजन। चंदौली में होली में नकली शराब की बिक्री को लेकर प्रशासन अलर्ट, शराब की दुकानों में चलाया गया चेकिंग अभियान। मोतिहारी में लघु फिल्म उस महोत्सव का किया गया आयोजन, नाट्योत्सव में कलाकारों ने बांधा समा। मध्य प्रदेश के खैरगोन में नगर पालिका का चला बुलडोजर, 75 दुकानों के कॉरिडोर को तोड़ा। जमशेदपुर में मनाई गई टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा की 184वीं जयंती, टाटा समूह के वाइस चेयरमैन ने दी श्रद्धांजलि। सोनिया गांधी की तबियत खराब, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती। सबका साथ सबका विकास की नीति पर संघ का मुसलमान कार्ड, संघ नेता मुस्लिम नुमाइंदों की बैठक, हालात पर मंथन। G20 डेलीगेशन ने रामगढ़ के पतरातु झील में बोटिंग का उठाया लुत्फ, विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी में भी हुए शामिल, डैम रिजॉर्ट में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी लिया हिस्सा। विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से झटका, संपत्ति जब्त करने को लेकर चुनौती देने वाली याचिका खारिज। यूपी विधानसभा में स्पीकर ने 6 पुलिस वालों को सुनाई सजा, 2004 में बीजेपी विधायक पर लाठीचार्ज में 1 दिन की कैद। हरियाणा को मिला पहला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, मंत्री ओम प्रकाश यादव ने नरनौल में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का किया उद्घाटन। BAMS की 100 सीटों के साथ साल 2023-24 में सेशन की भी शुरुआत की गई। धौलपुर में गैराज में खड़ी गाड़ी को ले उड़े बदमाश, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात। इटावा में आलू की फसल में घाटा होने से खेतों में खड़ी फसल को कर दिया गई इसकी जोताई, खेतों में चलवाया ट्रैक्टर, वीडियो वायरल। नागपुर में होली से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद, 2 तस्कर भी गिरफ्तार। फतेहपुर में लड़की पैदा होने पर पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक, पीड़िता के साथ मारपीट कर घर से भी निकाला। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में ग्रोथ की कमी की वजह से पिछले वर्षों का ग्रोथ आंकड़ों का रिवीजन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी आनंद नागेश्वर का दावा। देश में फरवरी में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.45% तक पहुंच सकती है, राजस्थान और हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, छत्तीसगढ़ में सबसे कम है आंकड़ा। नेस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल सुस्ती के बावजूद 2022-23 में भारतीय IT इंडस्ट्रीज बनाएगी राजस्व का रिकॉर्ड। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड डीकैथलॉन सरकार के साथ दूसरे ब्रांड्स बेचने के लिए कर रहा है चर्चा, कंपनी के ग्लोबल चीफ भारत आए हुए हैं। हेल्थ सेक्टर में क्रांति के लिए मुकेश अंबानी ने तैयार की बड़ी योजना, बीमारी का अनुमान लगाने वाली बेहद सस्ती टेस्टिंग किंग लाने की है तैयारी। इंडिगो और एयर इंडिया के टकराने के लिए अकासा एयरलाइंस की बड़ी तैयारी, 100 से ज्यादा विमान खरीदने की तैयारी में। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने देश की विकास दर में 7% के पार जाने का भरोसा जताया है, कहा शहरी रिकवरी में ग्रामीण रिकवरी के मुकाबले तेजी है। हिंडनबर्ग के भंवर में फंसे गौतम अडानी ने 4 कंपनियों में बेची अपनी हिस्सेदारी, ओपन मार्केट के जरिए 4 कंपनियों के 21 करोड़ शेयर 15,556 करोड़ रुपए में बेचे हैं। बीते 3 दिनों में शेयरों में तेजी से गौतम अदानी की नेटवर्क बढ़कर $39.3 अरब तक पहुंच गई है, अमीरों की लिस्ट में 27वें नंबर पर पहुंचे हैं। एलन मस्क का 1 दिन में $7 अरब से ज्यादा की दौलत गवाकर अमीरों की लिस्ट में 2 नंबर पर पहुंचे हैं, फ्रांस के बर्नार्ड अर्नॉल्ट सबसे अमीर शख्स बने हैं।